नेक्स्ट है आज का एक्टिंग सेगमेंट 3 पॉइंट्स के लिए। सबसे पहले एक्टिंग के लिए कौन आएगा, यहाँ पर आएंगे चैंपियंस। दूसरे नंबर पे आने वाली टीम होगी इंस्टाग्रामर्स की, तीसरे नंबर पे आने वाली टीम है टिकटॉकर्स, और आखिर में आएंगे यूट्यूबर्स। लाओ भाई, सबसे पहले कौन है? चैंपियंस। बड़े इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स है, किसी भी टीम को गेम चेंजर के अंदर इन और आउट कर सकते हैं। भाग छोटे तू भाग, तू भाग छोटे तू भाग। किसी फिल्म का शूट चल रहा है, दोनों हीरो इस सीन को ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। डायरेक्टर लड़की है, इसको ये सीन बिल्कुल सीरियस संजीदा अंदाज में करवाना है, मगर दोनों हीरो तफरी के मूड में और मजाक किए जा रहे हैं एक दूसरे से। दो हीरोज़ हैं, वो एक दूसरे से मजाक कर रहे हैं, और लड़की जो डायरेक्टर है, और आपके पास वैसे भी चौबे आमिर चौबे आए। चौबे साहब कह रहे हैं अर्जुन ना, नहीं नहीं चौबे साहब हैं आप। चौबे याद आया कौन था? चौबे, आइए चौबे। भाग छोड़े, भाग भाग छोड़े। आपने एक्शन बोलना है, आप डायरेक्टर हैं, आपको समझ में नहीं आएगा। आपको ये सीन सीरियस चाहिए और ये लोग तफरी कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। आप डांट भी सकती हैं क्योंकि आप डायरेक्टर हैं। चलिए आइए, रेडी रेडी। पहले डायरेक्टर बोलेगा आपका, रेडी गो। अच्छा आप लोगों को एक्शन तो मतलब आप लोगों को समझ आ गया ना सीन क्या था? बिल्कुल ओके। तो बस अब आप लोग जल्दी से मुझे करके दिखा, टाइम कम है हमारे पास भी, कौन सा टाइम। ओके कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चल चल रेडी कर, आजा। ठीक है, हाँ आप एक्शन बोलिए। एक्शन। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? ये फिल्म की शूटिंग चल रही है, कोई मजाक थोड़ी चल रहा है, कॉमेडी का चल रही है क्या यहां पे? अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, होता है होता है। एक्शन। भाग छोटे। अबे ये देख आगे कैसे, ये आप लोग क्या कर रहे हैं? फिल्म की शूटिंग चल रही है। सॉरी 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 सॉरी। एक्शन। भाग छोटे। पतलून फट गए। ये बड़ी बड़ी फिल्मों में छोटे छोटे रोल। चलो भाई बारी किसकी है? इंस्टाग्रामर्स गौर से सुनना अपनी सिचुएशन। दो लड़के किसी पार्टी में गए हैं, अब वो दोनों एक दूसरे से लड़कियों की तारीफ करने में मसरूफ हैं। वो वाली अच्छी है, ये वाली अच्छी नहीं है, ये वाली ज़्यादा प्यारी है। अचानक से एक लड़की पार्टी में आएगी, लड़का इसकी तारीफों के पुल बांधेगा, दूसरा लड़का चुप, ये मेरी बहन है, सीरियस हो जाएगा एंड में। शुरू में मजाक चल रहा होगा और एंड में ये सीरियस है, और काफ़ी सीरियस हो जाएगा। आओ जल्दी से। नहीं यार ये मुझे ऑकवर्ड लग रहा है बहुत, ये इस तरह की यार सिचुएशन ना लिखा करो यार। चलो भाई मजाक में भी हम वो वाली बातें ना करें ना यार। अच्छा दोबारा सुनो, आज लड़के की शादी है, वो खत बनवाने फेशियल करवाने किसी सैलून पे गया है। नाई ने दूल्हा को कुर्सी पर बिठा दिया है, मगर नाई की सारी तवज्जो कॉल पर है क्योंकि वो अपनी गर्लफ्रेंड से कॉल पर बात कर रहा है। दूल्हा को गुस्सा आ रहा है, बातों बातों में नाई दूल्हा की आधी मूछ उड़ा देगा, और दूल्हा को बड़ा प्यार है मूछों से। आज शादी है, वो गया हुआ है, और नाई जो है उसको अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है, गुस्से आ गया किसी बात पे, उसने गलती से मूछ उड़ा दी उसकी। अच्छा अभी दूल्हा को पता नहीं क्योंकि सामने मिरर नहीं लगा हुआ है। फिर नाई उसमें बोलेगा आगे कि सर अगर आप मूछें उड़ा दें तो फिर आप इतने ज़बरदस्त लगेंगे, तुम कहोगे कि अगर मूछों की बात ना करना, मूछों से मुझे बड़ा प्यार है। फिर इसमें फाइट हो जाएगी। आओ जल्दी से, चलो 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 जल्दी से, चेयर लेके रहो, चेयर लेके रहो, आज शादी है भाई की। चलो गाइस रेडी, माइक दीजिए इनको जल्दी से, माइक माइक माइक। चलो भाई जल्दी आ बेटे, जल्दी जल्दी जल्दी। अच्छा नाई कौन है और दूल्हा कौन है? और दूल्हा ही है। आप फोन पे बात कर रहे हैं, दूल्हा की आज शादी है, आप बैठे हुए ना या ऑलरेडी बैठे हुए हो? इतना टाइम नहीं होगा। रेडी गो इंस्टाग्रामर्स। साहब ऐसा तैयार, इतना टाइट तैयार करूंगा यकीन नहीं करोगे। भाभी पागल हो जाए, भाभी पागल हो जाए, ऐसा तैयार कर रहे हैं तुमने, सही है? एक सेकंड साहब, कॉल आई है, मैं कॉल अटेंड कर लूं। भाई जल्दी करो यार, मेरी बीवी इंपॉर्टेंट है यार। हेलो डार्लिंग, कवारा मर जाऊंगा, वैसे 24 साल ऐसे गुजर गए, अब एक सेकंड और नहीं गुजारूंगा ऐसे। बात कर रहा हूं आराम से भाई, आराम से आराम से। कितनी जुएं दिख रही है, कितनी सारी जुएं, अल्लाह माफ करे, गुजुओं का घर बना। जुओं छोड़ो यार, तुम मेरा मुंह जो है ना, फेशियल वेशियल करो मेरा यार। हेलो हेलो, कैसी हो? ये क्या हो गया? हाँ हाँ, नहीं नहीं तुम्हें नहीं बोल रहा, मैं बाल काट रहा था। बाल काटते क्या यार? सर आप एक काम करें, आपका चेहरा थोड़ा सा वैसा लग रहा है, आप मूछें कटवा दे, बड़े प्यारे लगेंगे। मूछों का नाम लिया, तेरा मुंह तोड़ दूंगा। मूछें जो है ना, मुछ नहीं था कुछ नहीं, याद समझ आई? सर ये थोड़ा सा कुछ होगी। हाँ नहीं तुम्हें नहीं बोल रहा, क्या किया तूने मेरे मूछों का? मूछें उड़ गई है। क्या किया?
टाइम अप गाइस, टाइम अप गाइस। चलो भाई आओ जल्दी से, नेक्स्ट कौन है, नेक्स्ट कौन है? हाँ टिकटॉकर्स। चलो भाई, लड़की अपने फ्रेंड को समझा रही है कि मेरे घर आकर मेरे वालिद से बात कर लो वरना मेरा रिश्ता कहीं और कर देंगे, मैं तुम्हारे बगैर किसी और से शादी नहीं कर सकती। लड़का एक नंबर का डरपोक इंसान है, वो डरते डरते लड़की के घर जाएगा और लड़की को बहन बोल देगा, अंकल मैं इनका भाई हूँ। मतलब इतना डरपोक है कि वो रिश्ता लेने अगर गया भी है तो उसके अब्बा बहुत रोब वाले होंगे, गुस्से वाले होंगे और उनकी पर्सनैलिटी को देखते ही वो कह देगा कि नहीं मैं रिश्ता लेने तो नहीं आया, वो तो हमारी बॉल आई थी आपके घर पर अंकल। और ये बात ये कैसी आप खैरियत से, इस तरह की सिचुएशन। चलो भाई, पहले फोन पे बात हो रही है, वो समझा रही है तुम्हें कि वालिद साहब रिश्ता कहीं और कर देंगे। वालिद साहब आप हैं बेहतरीन, वालिद साहब आइए प्लीज। चलो पहले फोन पे बात करके तुम उसको बताओगी ना कि जल्दी से रिश्ता करो कहीं और शादी हो जाएगी। रेडी गो। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हो? मैं ठीक, आप कैसे? मैं तो फिट पाड़ी रहता हूँ। हुसैन जल्दी आ जाए ना रिश्ता लेके। क्यों, क्या हुआ? मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। तो ऐसी कौन सी बात है? जल्दी से मेरा हाथ मांगने आ जाए, बाबा से मिल लेना। हाथ नहीं, पूरा मांगूंगा मांगूंगा तो हाथ क्या करूंगा। जल्दी आ जाए। लेकिन बाबा बहुत डर। नहीं नहीं कुछ भी नहीं होगा, प्लीज आप मुझे अपने साथ ले जाए। आ रहा हूँ। अच्छा जी, इज्जत रख लेना बस। Ding dong. कौन आ जाओ? ये कौन है बेटा बारीक सा? अस्सलाम वालेकुम अंकल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह की शान है तिनके में जान है। अस्सलाम वालेकुम। कौन है ये? मेरी मैं प्यार करती हूँ। नहीं नहीं नहीं, सबर 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 सबर, मेरी बात सुनो। अबे ओ, मेरी बात सुनो। अबे ओ, चार मुंह के पेशकश, तेरी हिम्मत कैसे हुई? मेरी बात सुनो बाजी, बाजी मेरी बाजी है, मेरी बात। अबे भाई इसको तुम क्या क्या बना दे, चार मुंह का पेचकश। चलो भाई यूट्यूबर्स गौर से सुनना सिचुएशन। दो लड़के बैडमिंटन खेल रहे हैं, एकदम से वहां पर बहुत खूबसूरत सी लड़की आ जाएगी, मुझे भी खेलना है। अब दोनों लड़के हीरो बनने की कोशिश करेंगे, तुम हटो ये लड़की मेरे साथ खेलेगी। नहीं नहीं मेरे साथ खेलेगी, लड़ाई शुरू हो जाएगी जो अच्छे तरीके से बिल्ली गधे बकरे मुर्गे और कुत्ते की आवाज़ें निकालेगा, मैं उसके साथ खेलूंगी। लड़की ने बोला है आगे, जो अच्छे से बिल्ली गधे कुत्ते की आवाज़ निकालेगा मैं उसके साथ खेलूंगी। पहले लड़के आपस में लड़ जाएंगे क्या मैंने खेलना है इसके साथ क्योंकि मैं ज़्यादा अच्छा प्लेयर हूँ। इतनी देर में लड़ाई हो रही होगी, वो कहेगी मेरे पास इसका एक हल है, चुप जाओ दोनों। फिर वो बताएगी, फिर तुम दोनों वो सिचुएशन करके दिखाओगे जो ये बोल रही है। बहुत मजे की सिचुएशन है, जल्दी आ जाओ। चलो 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 चलो, एक मिनट है, तीनों माइक्स ले आओ। पहले तुम दोनों बैडमिंटन खेल रहे हो, लड़की आएगी और तुम वो कहेगी मुझे भी खेलना है, तो तुम एक दूसरे को कन्विंस करने की कोशिश करोगे, यार भाई नहीं हट जाए यार मुझे खेलने दे। रेडी गो। ये पकड़ सर, ये ले, अब तू पकड़। मैं फिर हारेगा, ये ले, आज तो जीतने नहीं दूंगा। पकड़। सुने, हेलो मुझे भी बैडमिंटन खेलना है। मेरे साथ खेलो, मेरे साथ शो वाला खेलता हूं। ये बिल्कुल छोटा है, इसका कहते हैं इसको तो छोटा बड़ा करना नहीं आता। ये भी प्लेयर हूं मैं, हटो बच्चों। मेरी बात सुन, मेरे साइज की है, तू छोटा है, हट, मेरे साथ खेलो। बहुत मत, जो अच्छा खेलता है मैं उसके साथ खेलूंगी ना। मैं खेलता हूं, मैं लगी कसम, मैं खेल दो, खेल दो सही मेरे साथ। ऐसे नहीं चलेगा, मैं हम तो अबे वो पागल के बच्चे मेरे साथ खेलने। अच्छा रुको रुको रुको, मेरे पास एक हल, जो कुत्ते बिल्ली गधे की आवाज निकालेगा ना मैं उसके साथ। वो तो सबसे अच्छा मैं करूंगा। निकालो कुत्ते की आवाज। एक मिनट, ये देखो ये देखो, ये कुत्ता जा रहा है, बाइक का टायर फट गया। ये ऐसे नहीं होगा। गधे की आवाज निकालो। ये तो है गधा, मैं निकाल के दिखा दूं। नहीं मेरी सुनो, मेरी सुनो, मेरे साथ खेलो, मेरे साथ खेल। टाइम अप, टाइम अप। यार क्या बात है दोनों की, यार क्या क्या आवाजें निकाले तो पता नहीं था। भाई बैठो जरा, बेहतरीन। जनाब बताइए सबसे मजे की परफॉर्मेंस एक्टिंग और सिचुएशन के हिसाब से किसकी, बताइएगा। जैसे सिचुएशन के हिसाब से अगर कंप्लीट परफॉर्मेंस देखी जाएगी तो मेरे ख्याल से आज यूट्यूबर्स ने कंप्लीट परफॉर्मेंस दी है, लेकिन टिकटॉकर्स की परफॉर्मेंस भी इट वॉज नॉट बैड एट ऑल, और हमारे चैंपियंस ने भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। लेकिन बहुत ज़्यादा जो पूरा सिचुएशन पे जो पूरा उतरे हैं मेरे ख्याल से आज यूट्यूबर्स हैं। बाकी आप प्लीज़ अपनी बेहतर राय बताइएगा। अच्छा एक्टिंग के हिसाब से, वाकई सिचुएशन के हिसाब से और एक्टिंग के हिसाब से दोनों हिसाब से यूट्यूबर्स ज़बरदस्त शानदार थे। चैंपियंस की जो एक्टिंग थी वो भी बहुत मज़े की थी दोनों, तो मुझे यूट्यूबर्स और चैंपियंस बहुत मज़े के लगे। आज मुझे टिकटॉकर्स थोड़े से हल्के लगे क्योंकि मुझे था कि जो तुम्हारी परफॉर्मेंस थी हुसैन उसमें तुमने एक चीज़ कोई सी मिस की थी,
तुमने उस पर फोन पे बात किया, उसने बोला कि जल्दी आए। हाँ, रबीका ने मिस किया था कि जल्दी आओ शादी करने, वरना मेरे वालिद साहब किसी और से शादी कर देंगे। रबीका ने ये नहीं बोला था। तुम लोगों की परफॉर्मेंस पूरी थी, लेकिन सिर्फ इस बेस के ऊपर 3 पॉइंट्स चैंपियंस के, 3 यूट्यूबर्स के, 1 टिकटॉकर्स का हो जाएगा। इस तरह 3 पॉइंट्स विन किए चैंपियंस ने, 1 टिकटॉकर्स ने और 3 पॉइंट्स ही विन किए यूट्यूबर्स ने। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं दानिश तैमूर। बोल एंटरटेनमेंट की तमाम वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा।